धान को लेकर बाजरे को लेकर खरीद को लगातार लेकर आरोप लग रहे हैं मंडियों में, किसानों का आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बार बार कहूँ, यहाँ हरियाणा के किसान को MSP भी नहीं मिलती है। जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है और जो पोर्टल है, सारी मंडियाँ अटी पड़ी हैं, टेलीफोन आ रहा है मेरे पास, कहीं रखने की जगह नहीं, उठान हो नहीं रहा, MSP बिल दी रही, ये बहुत परेशानी में है किसान। तो एक और बात करना चाहेंगे, कल चौधरी वीरेंद्र की रैली थी, उन्होंने भी कहा कि कृषि परसेंटेज की सरकार है, JJP पर आरोप लगाया 8% 10% इस तरह के बयानबाजी, आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने तो कहा कि अगर JJP साथ रही तो BJP भी छोड़ देंगे। ये तो मैंने पहले दिन कहा था, इनका कोई गठबंधन कोई नीतियों पर आधार नहीं है, ये तो स्वार्थ पे आधारित है। एक कह रहा था पचहत्तर पार, एक कह रहा था यमुना पार, और स्वार्थ में दोनों बन गए यार। प्रदेश का जो भी तो हालत है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति इसमें नंबर एक था, कानून व्यवस्था में नंबर एक था, नौकरी देने में नंबर एक था, आज वो प्रदेश कहाँ है, बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में नंबर एक है, और सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश जो है वो हरियाणा है। ये बेरी कह रहा हूँ, ये प्रोग्रेसिव जो उसका इंडेक्स हुआ है रिपोर्ट, ये सोशल प्रोग्रेसिंग इंडेक्स होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने हरियाणा को असुरक्षित, सबसे ज़्यादा असुरक्षित कराया है। आप सब देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो हरियाणा जिस प्रकार से प्रगति कर रहा था, अपने पावदान से बहुत तेजी से फिसल के आ रही थी, इसी वजह से क्योंकि स्वार्थ की सरकार चल रही है, जनहित का एक भी फैसला सरकार लेने में नहीं। तो चौधरी वीरेंद्र के जो बयान थे, आरोप हैं कि कमीशन वाली बात, इसको लेकर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, JJP के ऊपर सरकार को उन्होंने आरोप लगाए। तो वीरेंद्र सिंह को सारा हरियाणा कह रहा है, जो परिस्थिति है, इतने घोटाले हुए हैं, घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, कभी किसी चीज का घोटाला, कभी किसी चीज का घोटाले। एक और बात वो कह रहे हैं कि अगर JJP को नहीं छोड़ो तो BJP को छोड़ देंगे, वो क्या राय देंगे आप उनको, उनके आगे की राजनीति को, क्योंकि 40 साल तो आपके साथ भी राजनीति में रहे हैं, पार्टी में रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र, कह रहे हैं कि JJP से अलग नहीं हुई BJP तो वो BJP छोड़ देंगे, आप उनको क्या राय देंगे? अलग अगर नहीं हुए तो मैं पूछा, अगर के छोड़ो, अगर की कभी छोड़े होगी, क्या अलग है? उन्होंने कंडीशन लगा दी सर। अरे हो गई क्या अलग, मैं पूछ रहा हूँ अलग हो गई क्या, अगर और मगर की बात कुछ नहीं होती। तो आप कांग्रेस में ही पूरा मान सम्मान मिला, वो ये कह रहे थे कांग्रेस में उन्हें पूरा मान सम्मान मिला था सर, और कोई कमी छोड़ी थी? एक महत्वपूर्ण बात और है सर, कुछ सांसदों के नाम लिए उन्होंने, चाहे सोनीपत के सांसद की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें, 3-4 लीडर्स के नाम लिए कि भाई ये जो माहौल था, ये ताकत जब बनी, जब कांग्रेस से 4-5 बड़े बड़े नाम, राविंदर जी साहब, रमेश कौशिक साहब, तमाम जो लोग आए, तब ये ताकत बढ़ी थी। ऐसा है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी आई थी उस टाइम 2014, सबको मालूम है। उनको कांग्रेस की राजनीति में क्या, उनको कांग्रेस में अगर आते हैं तो लोग रुख हो चुके हैं, जो लोगों की उम्मीद थी वो लोग ना उम्मीद हो चुके। अगर वो कांग्रेस तरफ रुख करते हैं चौधरी वीरेंद्र, तो आप कैसे देखते हैं उनको? अगर का मगर जवाब ही नहीं देता।